नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाइन डील एक्सचेंज पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है, क्वाइन डील एक्सचेंज है जो कि पोलैंड की है और काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर एक्सचेंज है, जस्ट लाइक बाइनेंस एंड बिट्रेक्स। और इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, अकाउंट कैसे रजिस्टर करें, उसके बाद KYC कैसे अपलोड करें और ट्रेडिंग कैसे करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो वेबसाइट है वो coindeal.com है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप अपने रजिस्ट्रेशन लिंक से किसी और को ज्वाइन करते हैं और फिर इसमें रेफरल बोनस आपको कुछ मिलेगा, अगर वो आपका जो डाउनलाइन है ट्रेडिंग करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, तो आपको जो इसके रेफरल प्रोग्राम है उसके अंदर डिटेल्स दी हुई है, उसके द्वारा आपको रेफरल बोनस वहाँ पर मिलेगा अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन लिंक से ज्वाइन करवाते हैं तो। ठीक है, तो जो क्वाइन डील का रजिस्ट्रेशन लिंक है दोस्तों, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो कृपया करके उस लिंक पे क्लिक करके क्वाइन डील में आप रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो ये वेबसाइट आप देख रहे हैं काफ़ी सेफ़ है, सिक्योर है, और यहाँ पर जो KYC है वो प्रॉपर तरीके से होती है, और इतने जो क्वाइन आप देख रहे हैं इन सभी क्वाइंस का ट्रेडिंग होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके, तो आप जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड आप चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल करके साइन अप कर सकते हैं, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है उस पर हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे अभी आने वाले कुछ ही मिनटों में। तो जो वेबसाइट है काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है और ट्रेडिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा वेरीफाइड है। तो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर देख रहे हैं क्रिएट अकाउंट, या तो आप वहाँ पर क्लिक कीजिए या सेंटर में आपको मिलेगा क्रिएट अकाउंट। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड कन्फर्म डालना है। पासवर्ड जो है आपका वो 8 से 10 डिजिट का होना चाहिए, और आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आई एम नॉट रोबोट, ये जितने भी बॉक्सेज हैं और आपका कंट्री है इसमें डालना है, और जो सिक्योरिटी सेटिंग है इसकी इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ पेज को, अगेन आप देखिए क्रिएट अकाउंट नाउ, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए या राइट टॉप कॉर्नर पे कहीं पे भी इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। तो जैसे आपका जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डिटेल भरने के बाद, इस तरह का मैसेज आएगा, एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज़ चेक योर मेल बॉक्स फॉर ऑथेंटिकेशन लिंक। तो इस तरह से आपको अपना ई मेल बॉक्स चेक करना, वहाँ पर एक लिंक आएगा, और वो लिंक किस तरह से होगा वो हम लिंक आपको दिखाएंगे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह का आपको एक ईमेल मिलेगा, इस ईमेल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं थैंक यू फॉर साइनिंग अप, आपने साइन अप ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका होगा। उसके बाद आपको जो आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो देखिए अभी जैसे आपने अकाउंट पर क्लिक किया तो आपका जो अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन अकाउंट, उसके बाद आपको अपना इन्फो डालना है और अकाउंट एक्टिवेशन कोड टाइप, एक्टिवेशन कोड फ्रॉम द SMS। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। अगर मैसेज नहीं आता है तो रीसेंड SMS पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको अपना एक्टिवेशन कोड डालना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल अकाउंट पे एक ईमेल आएगा, उस पर लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको जो डिटेल्स है वो आपकी ओरिजिनल डिटेल्स वहाँ पे भरनी है, जो आपका ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है एज पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला है, उस मोबाइल नंबर से आपका जो अकाउंट है वो अगेन सिक्योरिटी फीचर है, तो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसमें 6 डिजिट का एक कोड आएगा, अगर कोड नहीं आता है आपके मोबाइल में तो रिसेंड SMS पे आप क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने रिसेंड मैसेज पे क्लिक किया और जो कोड है वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ जो कि मेरे मोबाइल में आया है। ठीक है, जैसे कोड आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से जो 6 डिजिट का जो कोड है, आपका जो मोबाइल आपको ऑन रखना है और उसके ऊपर 6 डिजिट का कोड आएगा क्वाइन डील की तरफ से, फिर आपको वो कोड यहाँ पर डालना है और फिर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई करवाना है। ठीक है, एक्टिवेशन कोड, तो इसमें एक्टिवेशन कोड हम डाल देंगे। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। और क्वाइन डील के ऊपर क्या है कि अभी अगर आप फ्यूचर नेट
फ्यूचर नेट से आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो जो पे आउट है वो आजकल फ्यूचर कॉइन में आ रहा है और फ्यूचर कॉइन के लिए सबसे सेफ है। तो इस तरह से मैं यह कोड मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे भरनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रीट एड्रेस, अपार्टमेंट, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, ये सारी डिटेल आपको ओरिजिनल डिटेल है यहाँ पे डालनी है। ठीक है, टोटल आपको जो डिटेल है, डिटेल भरने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉलोअप करना है, आपका लैंग्वेज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करना है। सारी डिटेल भरने के बाद जो डाउन साइड में आप देख रहे हैं तो ये सारी डिटेल आप फिलअप कीजिए यहाँ पर। वो डिटेल फिलअप करने के बाद आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस तरह से लॉगिन का पेज आपको मिलेगा। तो ये ट्रेडिंग के जो कॉइन्स हैं वो आप देख रहे हैं आपके सामने राइट साइड में बाई एंड सेल है। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बिटकॉइन डिपॉजिट करना पड़ेगा डिपॉजिट वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो बिटकॉइन डिपॉजिट करने के लिए बीटीसी वाला जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करके राइट साइड में डिपॉजिट करना है और ऊपर एक ऑप्शन है वहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जितने भी कॉइन हैं इसकी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं अगर आपके पास बिटकॉइन अवेलेबल है तो। ठीक है, तो जैसे ऊपर देख रहे हैं आप डिपॉजिट फंड, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट फंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो फंड है वो आपके अकाउंट में यहाँ पर शो करेगा। शो करने के बाद कोई भी करेंसी आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जो भी इसके मेन्यूज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या किसका क्या क्या फंक्शन है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये एक लिंक मिलेगा, अगर एफिलेट प्रोग्राम भी इसमें, अगर अपने लिंक से आप किसी और को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको एफिलेट लिंक से बेनिफिट होगा, आपको कुछ बोनस मिलेगा वहाँ पे। जो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप मेरा जो रेफरल लिंक है इसको लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर नेट की जो पे आउट है आने वाले टाइम में फ्यूचर कॉइन में आएगी, यहाँ पर आप फ्यूचर कॉइन का जो वॉलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं और इसमें डिपॉजिट करके यहाँ पे फ्यूचर कॉइन यहाँ से आप बीटीसी निकाल सकते हैं, अपने ब्लॉकचेन में फिर बीटीसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो जो बैनर्स ऐप एप्लीकेशन है उसमें जो पे आउट है वो फ्यूचर कॉइन में आएगा। तो यहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट कीजिए बैनर्स।